राजीव प्रताप रूडी होंगे बीजेपी से, एल एन राव होंगे पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, मौलाना सईदुल कादरी जुड़ेंगे इस्लामिक स्कॉलर हैं, और डॉक्टर ओपी यादव हैं हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, विजय सरदाना इकोनॉमिस्ट हैं आपके स्क्रीन पर, साथ ही साइबर एक्सपर्ट जितेंद्र जैन हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर आर के मणि श्वास रोग विशेषज्ञ हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख यहां पर करूंगी मेरे सहयोगी वरुण भसीन का। वरुण, सवाल जो डिस्कशन आपसे थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, 30,000 वीडियोस जो लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को उकसाते हैं कि वो लॉकडाउन से जुड़े जो दिशा निर्देश है सरकार के उनका उल्लंघन करें, उन्हें तोड़े, ऐसे लोगों को लेकर, इस बड़ी साजिश को लेकर, ऐसे लोग जो इस साजिश के पीछे हैं उन्हें लेकर क्या डिटेल्स हैं, अपडेट क्या है, जवाब दीजिए। जी देखिए, बिल्कुल अभी फिलहाल लॉकडाउन लगा हुआ था और सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज अभी जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, उस 1 मीटर के दायरे को याद रखना। लेकिन उससे लड़ने के लिए लोग शायद कहीं ना कहीं घर से बाहर नहीं निकल पाए, तो सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ एक सोशल मीडिया पर किसी ने जंग शुरू की है जो लगातार ऐसे वीडियोज और टेक्स्ट मैसेजेस पोस्ट कर रहे हैं जिसमें ये कहना है कि आप सरकार की हुई एडवाइजरी, कोरोना वायरस से बचने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, वो मास्क लगाना हो, सैनिटाइजर का उपयोग करना हो, यहां तक कि जो सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर का दायरा रखना, उसको फॉलो ना करें, ये लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है, उसके लेकर वीडियोस बनाए जाते हैं। और इनमें सबसे ऊपर साथ देने वाले होते हैं टिकटॉक, जो आजकल सबसे ज्यादा फिलहाल 30 करोड़ से ज्यादा यूजर्स इसमें हैं, वहां पर वीडियोस डाले जाते हैं। सबसे जरूरी बात इसमें ये है कि वीडियोस क्या कह रहे हैं, वीडियोस कह रहे हैं कि आप जो आपको सरकार कह रही है वो फॉलो मत करिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए जो चीजें हैं उनका फॉलो मत करिए, और दूसरी ये बात है कि ये वीडियोस आ कहां से रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक रिपोर्ट्स के अनुसार फिलहाल ये वीडियोस जो हैं शायद भारत में बने ही नहीं है या फिर भारत में बनाए गए हैं। अभी मैंने जब टिकटॉक को खोला और उसको समझने की कोशिश की, जो इस तरीके के वीडियोस थे जहां पर ये कहा गया कि आप इनको फॉलो मत करिए, उनमें ऑडियो के साथ खेला गया होता है, रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है उनके ऑडियो के साथ खेला, और छोटे छोटे बच्चे हमें काफी सारे दिखे 17-18 साल के जो इस पर वीडियोस बना रहे थे, उनको इस तरीके के चैलेंज दिए जाते हैं कि आप बस कितनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। तो वो 18 साल का व्यक्ति या 16 साल का बच्चा जब काम कर रहा होता है और वीडियो बनाता है, उसको सिर्फ ये ध्यान रहता है कि वो एक्टिंग कितनी अच्छी कर रहा है, वो ये भूल जाता है कि ये मैसेज वो कितना गद्दा और कितना गलत भेज रहा है कि एडवाइजरी फॉलो नहीं करनी है। इन सब चीजों को भूलकर इस तरीके के चैलेंज लोग छोड़ रहे हैं कि ये वीडियोस आगे से आगे बढ़े। टिकटॉक एक ऐप है जिसपे करोड़ों यूजर्स हैं, लेकिन टिकटॉक से शेयर होती है, फेसबुक पे जाती है, व्हाट्सएप पे जाती है। चैलेंज बहुत बड़ा है, साजिश बहुत बड़ी है, और बड़ा सवाल ये जो राष्ट्रधर्म का पालन इस वक्त नहीं कर रहे हैं, क्या उन्हें देश का गद्दार ना माना जाए? सवाल ये भी है, ये लापरवाही है, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है, या ये मोदी विरोध है, या फिर ये लोगों को बरगलाने की एक बड़ी साजिश है हिंदुस्तान के खिलाफ? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हम पूछेंगे अगले 1 घंटे के अंदर। मेरे साथ कई खास मेहमान, जैसे कि मैंने आपको बताया, सवाल हम ले लेते हैं क्योंकि ये मंच आपका है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं #AskZee के साथ हमें सवाल भेजे। मनिंद्र मिश्रा ने अपना सवाल भेजा है, वो लोग ये कह रहे हैं जो लोग सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई कब तक होगी? कई खास मेहमान, जैसे कि मैंने आपको बताया, लगातार है एल एन राव साहब, इस सवाल का जवाब सर आप दें। चलिए, एल एन राव हमारे साथ नहीं है इस वक्त, हमारे साथ इस वक्त ओपी यादव जी, आपके पास आ जाती हूं मैं। जो बड़े लेवल पर जो गैदरिंग है, मेरे को बताया गया साइबर एक्सपर्ट जितेंद्र जैन हमारे साथ है। जितेंद्र जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो मेरी, ये एक बड़ी साजिश है, ये बड़ी साजिश दिखती है 30,000 वीडियोस 5 डेज में, ये बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। आप बहुत क्लोजली इसे मॉनिटर कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, क्या डिटेल्स हैं इस साजिश को लेकर, इस बड़ी प्लानिंग को लेकर? क्या मेरी आवाज आ रही है? जी 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 हाँ। तो एक तो 5 दिन का नहीं है डेटा, तो पिछले 15 दिन का है, और ये कॉन्सेंट्रेटेड कैंपेन हमने देखा कि कहीं ना कहीं प्रोफेशनल वीडियोस को टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ट्रेंड करा के एक कोऑर्डिनेटेड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है, जहाँ इस तरह से एक कम्युनिटी को मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, जहाँ ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस मुस्लिम्स को नहीं होता, और चूंकि ये मुस्लिम्स को नहीं होता और जो आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना इस्लाम के खिलाफ है, और ये कई इस तरह के वीडियो में जाए कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस अल्लाह का नासी है और आप इसमें ना डरें, और ये मतलब मुस्लिम को टारगेट नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्सेंट्रेटेड कैंपेन है लोगों को ये बताने का इंडिया, और ये वीडियोस आप ज़्यादातर वीडियोस बाहर बनाए गए हैं, फिर उसके ऊपर हिंदी के अंदर या फिर लाइट उर्दू के अंदर आवाज़ को सुपर इम्पोज किया जाता है और उनको वायरल कराया जाता है।
वायरल होने के बाद जब ऐसे वीडियोस लोग और बनाते हैं, ऐसी वीडियो को रिपोस्ट अलग अलग अकाउंट्स में होकर वायरल हो जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, उसके बाद ओरिजिनल बंदा उस अकाउंट को वीडियो को डिलीट कर देता है ताकि उसका ट्रेस को ओरिजिन को ढूंढा मिले। इस तरह की बातें करने के बाद कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अगर एक कैंपेन है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग छोड़िए, जो कोरोना वायरस के टेस्ट हैं मतलब, तो वो भी गैर इस्लामिक है और आपको इसलिए टेस्ट को रेसिस्ट करना है, और कहीं ना कहीं अगर आप टेस्ट को करेंगे तो आप खुदा में विश्वास नहीं रखते, आप उसको अपोज कीजिए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह जहाँ पे मेडिकल वर्कर्स कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ काफी वायलेंट तरीके से उनको भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है, बिकॉज वो टेस्ट करवाना नहीं चाहते। तो इस तरह से पाकिस्तान में बैठे वीडियोस बना के यहाँ पे सुपर इम्पोज करके पाकिस्तान के मौलानाओं की वीडियोस यहाँ पे हैं जहाँ वो सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि जो माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है वहाँ एक समाज को मिसलीड करके समाज के अंदर एक रिफ्ट पैदा हो जाए, दंगे हो जाए, ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो कि लॉकडाउन को बढ़ाना पड़े, क्योंकि अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करेंगे, लॉकडाउन को फॉलो नहीं करेंगे, तो और मामले आते जाएंगे और लोग इन्फेक्ट होते जाएंगे। और आप मान के चलेंगे भारत के अंदर ऑलरेडी 90 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का नुकसान 21 दिन के अंदर हो रहा है, अगर लॉकडाउन को 3 दिन भी और बढ़ाना पड़ता है तो लाखों करोड़ की अर्थव्यवस्था का नुकसान है। तो कहीं ना कहीं एक सोची समझी हमको लगता है कि एक कैंपेन का एक परिणाम ये हो सकता है कि एक देश को जान माल के साथ साथ एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़े। आप एक तरफ देश के खिलाफ ये किस तरह की साजिश, जहां पर ये पेंडेमिक, यहां पर समझने की जरूरत है, और राजीव प्रताप रूडी जी आपके पास आ रही हूं सर, सवाल मेरा बहुत सिंपल सा है, सवाल मेरा ये है, ये ऐसा तो नहीं है ये एक पेंडेमिक है जिसे सिर्फ भारत नहीं फेस कर रहा, इसे पूरी दुनिया फेस कर रही है, मतलब ये समझ नहीं आ रहा ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये लापरवाही है, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है, ये कट्टर सोच है, या फिर ये मोदी विरोध है? राजीव प्रताप रूडी जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। देखिए, सरकार तो ये प्रयास कर रही है कि सामान्य रूप से अगर ऐसे तबलीगी के लोग जो पूरे भारतवर्ष में गए हैं, सरकार का एक ही प्रयास है कि ये आइडेंटिफाई हो जाए और इनकी ट्रीटमेंट हो जाए और प्रिवेंशन का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ तो कुछ वीडियोस जो ठीक है नहीं ठीक है, लेकिन लोगों में इस बात का कई सारे ऐसे वीडियोस भी हैं जो शायद रियल भी हैं, तो इन अ कॉम्बिनेशन लोगों को लगने लगा है कि ऐसे समाज के कुछ लोग पूरे देश में फैल चुके हैं और इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। एक तो वो समाज के लोग जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो समाज में उनके प्रति और दुष्प्रचार बढ़ेगा, और यदि वो लोग सचमुच इस प्रकार का कोई काम कर रहे हैं तो उससे उनकी दूरी और बढ़ेगी, तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे और देश अभी इसके लिए तैयार नहीं है। देश तुरंत एक एंगर की स्थिति में चला जा रहा है। कल मैं अपने ड्राइवर से बात कर रहा था या मैं अपने स्टाफ से बात कर रहा था तो उनको सही गलत का नहीं पता, लेकिन अगर जो रियल वीडियोस अगर कुछ है, एक तो वीडियोस बताए गए हैं कि कुछ फेक वीडियोस चलाए जा रहे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो सही कहानियां हैं, जो डॉक्टरों को रोका जाना, डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार करना, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स का रिपोर्ट है, अब ये भी प्रकाशित होते हैं समाचार पत्र में हो या वीडियो पर हो या सोशल मीडिया पर हो या आपके टीवी चैनल पर हो। एक तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि पत्रकार और टेलीविजन मीडिया अपने तरफ से बेस्ट पॉसिबल कोशिश कर रहा है, एक तो उन लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रहा है हम लोगों के माध्यम से कि साहब इससे देश का बड़ा नुकसान होगा, पूरी दुनिया का नुकसान होगा, अब तो देश की बात ही कोई नहीं करता, तो पूरी दुनिया के नुकसान की बात करता है, क्योंकि ये तबलीगी जमात की जितने लोग हैं सिर्फ भारत में नहीं, चीन में है, यूगोस्लाविया में है, रशिया में है, न जाने के किस किस कोने में है। सुनिए, मेरे पास सवाल है हमारे दर्शकों के, क्योंकि ये कुल मिलाकर ये जो हम प्लेटफॉर्म है ये इसी सवाल हम सवाल उठाते हैं और उसके बाद जैसे आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जवाब लेते हैं। हमारे यहाँ दो सवाल आए हैं, दोनों सवाल मैं आपके सामने रख रही हूँ सर, चाहूंगी जल्दी जल्दी क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये है, क्या सरकार सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे आपत्तिजनक वीडियोज को रोक नहीं सकती है? एक सवाल ये है, और दूसरा सवाल ये है, क्या इन आपत्तिजनक वीडियोज के माध्यम से देश का माहौल खराब नहीं किया जा रहा है? दो सवाल है सर, जल्दी से अगर आप जवाब दे दें। बिल्कुल सही है, सरकार इस पर रोक लगाएगी, सरकार के पास ताकत है, सरकार के पास अधिकार है, और मैं समझता हूँ कि सरकार इस पर कार्रवाई कर भी रही है। और दूसरी तरफ जो ये फेक वीडियो से जो माहौल खराब हो रहा है,
इसका दूरगामी परिणाम होगा, जो मैंने पहले भी स्पष्ट किया है, ये सिर्फ आज ही नहीं समाप्त होगा। और आज के माहौल में ये माहौल अगर बिगड़ता है तो शायद सबके लिए, और विशेष करके जो शासक है, जो प्रशासन के लोग हैं, जो देश चलाने के लोग हैं, उनके लिए बड़ा संकट है। क्योंकि एक तरफ हम कोरोना की असली लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ ये सामाजिक विषयों को ला करके इस लड़ाई को दूसरे दिशा में बदला जाए, ये देश के लिए भी बहुत घातक हो सकता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल जो है वो मैं बता देती हूँ। जमात ने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की है? जमात ने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की गई है? मुझे बताया गया कि मौलाना भी हमारे साथ जुड़ गए, मुझे लगता है सवाल उन्हीं, इसका जवाब उन्हीं को देना चाहिए। जी जी बोलिए। दरअसल बात यह है कि तबलीगी जमात पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में तमाम मुसलमानों की एक नुमाइंदा जमात थी, और तबलीगी जमात में भी दो हिस्से हैं, एक मौलाना साद का और एक दूसरा हिस्सा अलग है। तो ये जो मौलाना साद का जो ग्रुप जिसने मरकज में ये इज्तिमा किया, उसको तमाम उलमा इकराम ने उसको कहा कि ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से तमाम मुसलमानों को टारगेट करना या गलती पे करना बिल्कुल गलत है। जो भी मरकज में हुआ है वो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, और उसकी सदभाव के लिए अब आगे सब मिलके, सबको मिलके काम करना पड़ेगा। मौलाना टारगेट करना, ये आपको कहां से आया आइडिया? कौन टारगेट कर रहा है ऐसा? मरकज में जो हुआ पूरी दुनिया देख रही है, सोशल मीडिया पर ये पोस्ट भी वायरल हो रहा है कि लोग एकजुट हो जाएं सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम पर, जहां सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं, पूरी दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रही है। इस तरह के पोस्टर आ रहे हैं, मेडिकल स्टाफ के साथ बदतमीजी की जा रही है, पत्थर उन्हें मारे जा रहा है, भगाया उन्हें जा रहा है, उनके ऊपर थूका जा रहा है। सर कौन टारगेट कर रहा है? आप अलग ही लाइन पर चले गए सर। नहीं देखिए, जो लोग मेडिकल स्टाफ को पत्थर मारे या मेडिकल स्टाफ के साथ गलत हरकत करे, उनको जेल के अंदर बंद कर दीजिए। वो ऐसे लोगों को हमारे समाज में रहने का हक नहीं, उनको जेल में बंद कर दीजिए। और वो चंद शरपसंद लोग, चंद बेहुदा बदतमीज किस्म के लोग अगर कोई हरकत किए हैं तो उनको उनकी हद तक महदूद किया जाए, ना कि जिसको जर्नलाइज करके पर्टिकुलर किसी को, कम्युनिटी को। सर जर्नलाइज कोई नहीं कर रहा, सर जर्नलाइज नहीं कर रहा, सर जर्नलाइज आप कर रहे हैं। आपने सुना नहीं, थोड़ी देर पहले जितेंद्र जी ने क्या कहा था, उन्होंने बाकायदा बताया ये लोग जो ये जो वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं, ये वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं जिसमें लोगों को ये कह के बरगलाया जा रहा है कि टेस्ट करवाना तो गैर इस्लामिक है। आपने सुना नहीं? मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेती हूँ आपको एक बार फिर से बता दें कि ज्यादातर लोग किस तरह से एक प्रोपेगेंडा चलाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, देश के खिलाफ ये किस तरह की बड़ी साजिश है। एक बार आप सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। विजय सरदाना जी, मैं आपको दूंगी फ्लोर सर, आपको फ्लोर दूंगी। एक बार जितेंद्र जी इनको बता दीजिए सर किस लेवल की साजिश है। नहीं देखिए, मैं खाली इतना कहना चाहूंगा कि जो मुस्लिम धर्मगुरु है वो उस बात को समझे कि कहीं कोई आपको ब्लेम नहीं कर रहा है, मगर हो क्या रहा है कि आपको एक तरह से धर्म की भावनाओं के अंदर फेक रिलीजियस टेक्स्ट के इंटरप्रिटेशन को साउंड करके वहां के पाकिस्तान के मौलानाओं के वीडियोस चला के आपको धर्म की भावनाओं में भाया जा रहा है, और आपको इस तरह से एक तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि जो यंग जो लोग हैं, जो शायद इतना ज्यादा उनके पास अवेयरनेस की कमी है, वो इस पूरे के पूरे षड्यंत्र के अंदर फंस रहे हैं। तो आप, मैं ये नहीं कहता कि आप गलत हैं या आपने किया नहीं किया, अगर आपकी जिम्मेदारी इस समय बहुत बड़ी है कि आप हर धर्मगुरु अपने हर समाज के व्यक्ति से कहे कि क्यों इस समय जो सरकार की एडवाइजरीज हैं, जो सरकार की सोशल डिस्टेंसिंग पॉलिसीज हैं, ये खाली आपके हमारे धर्म की नहीं है। अगर हम जिएंगे तो आप भी जिएंगे, अगर आप नहीं जिएंगे तो हम भी नहीं जी पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, कोरोना नहीं देखेगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ नहीं देखेगा कोरोना, ना वो जाति जानता है, ना धर्म जानता है, ना लिंग जानता है, ना आपकी आमदनी देखता है, कुछ नहीं देखता है वो। विजय सरदाना जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अगला सवाल मैं उठाऊं उससे पहले विजय सरदाना जी संक्षेप में सर। देखिए, जो लोग इस तरह के वीडियो बना रहे हैं, एक मिनट का टाइम दीजिए, मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। दो स्टेटस हैं, पहली बात तो जो मुस्लिम लोग जिस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा है। मैंने कुरान के बारे में कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ बैठ के एक लिस्ट बनाई है, 11 चीजें कुरान में बहुत क्लियरली लिखी गई हैं, जिसको हम बोलते हैं हदीत। आपको क्वारंटाइन करना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग करना है, ट्रेवल बैन है, डोंट हार्म अदर्स, स्टे एट होम, होम इज ए मस्जिद,
दिस पेशेंस इज ए क्योर, फेस मास्किंग, हैंड वॉशिंग, होम क्वारंटाइन एंड ट्रीटमेंट, 11 की 11 चीजें जो आप एडवाइजरी में दे रहे हैं, कुरान में ये लिखा हुआ है, हदीस में लिखा हुआ है, जिसको हम सुन्ना बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि या तो मुस्लिम धर्मगुरु खुद नहीं जानते कुरान को, या जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं उनको अपने धर्म के बारे में नहीं पता। तो पहली बात तो मेरा रिक्वेस्ट है मीडिया से कि कुरान की ये आयतें जनता के सामने, मुस्लिम समाज के सामने लाएं कि आप अपने धर्म का ही इंसल्ट कर रहे हैं, समाज तो बाद में आएगा, आप अपने धर्म के साथ ही गद्दारी कर रहे हैं। कम से कम ये तो शर्म करो कि अपने धर्म के साथ गद्दारी मत करो, पहली बात। दूसरा सवाल यह है कि जो सोशल मीडिया जो भी है, आज हमारे पास टेक्नोलॉजिकल पावर है, इन सब जो एप्स ग्रुप हैं, सोशल मीडिया, इनका बिजनेस चलता है। जो सोशल मीडिया डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता, आप उसको इंडिया में एक्सेस ब्लॉक कर दीजिए। जब उनका बिजनेस हर्ट होगा, ये लोग अपने आप सेफगार्ड डेवलप करेंगे, ये लोग फेक मीडिया, गलत रिपोर्टिंग को अपने आप रोकेंगे। ठीक सर, वी हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट ऑल दोज प्लेटफॉर्म्स जिनको यूज किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है। और तीसरी बात, एक सवाल कहना चाहूंगा, आप ये मत भूलिए कि हिंदुस्तान को कोई आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, चाहे पाकिस्तान हो या दूसरे देश हो, वो चाहते हैं हिंदुस्तान बर्बाद हो। आप इसको एक युद्ध की तरह लीजिए, लाइटली मत लीजिए। ठीक, वैसे भी कोरोना वायरस के खिलाफ ये महायुद्ध है और इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। विमल विश्वास का अगला सवाल हमारे पास, वो कह रहे हैं जमात वाले इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं या कोरोना का प्रचार कर रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं विमल विश्वास। मौलाना देना चाहेंगे जवाब? बिल्कुल मैं देना चाहूंगा, बिल्कुल देना चाहूंगा। देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कहीं पर पेंडेमिक, वबा आ गई है, वायरल इंफेक्शन आ गया है, तो वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो लोग दूसरे मुकाम पे मत जाएं। इसको कहते हैं हदीस शरीफ, ये ना जाएं। और जो बाहर जो सेफ एरिया में जो लोग हैं वो लोग उस इंफेक्टेड एरिया में ना जाएं। इसका मतलब ये है कि आइसोलेट कर लीजिए, लॉकडाउन कर लीजिए, अपने आप को उस वबा से दूर रखिए। दूसरी हदीस शरीफ में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई लिप्रेसी का, यानी कोड़ी का बीमार कहते हैं उसको उर्दू में, कोड़ी का अगर बीमार देखो तो ऐसे भागो जैसे शेर को देख के भाग रहे हो, मतलब ऐसे इन्फेक्टेड आदमी से अपने आप को दूर रखो, इस तरह का प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तीसरी बात सर, जमात कौन सी इंटरप्रिटेशन पेश कर रहा था, सवाल ये है। देखिए, मैं बता रहा हूं कि जमात ने जो किया वो इस्लाम के खिलाफ है, मैं बार बार कह रहा हूं। ये आइसोलेटेड लोगों को आप सर पे मत बिठाइए, ये लोग गलत किए। और सिर्फ हिंदुस्तान में तबलीगी जमात का इस्तेमाल नहीं हुआ, इस कोरोना वायरस के दौर में इन्होंने मलेशिया में किया, इन्होंने इंडोनेशिया में किया, इन्होंने फिर इंडिया में किया, इंडिया में 13 से 15 तारीख तक किया। अब आप पल्ला झाड़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक सर। देव जायसवाल का सवाल है, जमात की वजह से, ये हमने सवाल अभी उठाया कि जमात की वजह से ये कोरोना संक्रमण बढ़ा है, इन्हें सजा क्या मिलेगी और जो छिपे हैं उन्हें सरकार कैसे बाहर निकालेगी? राजीव प्रताप रूडी। बहुत मैं तो कई राज्य सरकारों से भी संपर्क में हूँ, अपने प्रदेश बिहार से भी संपर्क में हूँ, और जहां जहां तक सरकार ट्रैक कर पाई है, जो दिल्ली से सूचना गई है, जहां इनका मूवमेंट हुआ है, या फिर अड़ोस पड़ोस के लोगों ने मस्जिदों में जिस नए व्यक्तियों को पाया है या पंचायतों में पाया है, उन सब की पहचान करके पुलिस को सूचना दे रहे हैं। और राज्य सरकारें तो बहुत त्वरित कार्रवाई कर रही है, क्योंकि खतरा सबसे ज्यादा है, और विशेष करके उस स्थिति में जहां बड़ी संख्या में लोग बाहर से गए हैं वहां ये संकट बड़ा है। तो मुझे विश्वास है और मैं जानता हूं बिहार में भी कई स्थानों पर छापे पड़े हैं, छापे करना उचित नहीं होगा, उनसे संपर्क किया गया है, उनको वहां से बताया गया है, उनको ले जाया गया है, और बाकी देश में तेलंगाना में भी, आंध्र प्रदेश में भी गए हैं। तो हम सब उनसे अपील करें कि जो इस प्रकार से तबलीग के जो लोग थे यहाँ से निकल करके गए हैं, हम अपील करें, और सरकार तो कार्रवाई करेगी ही करेगी, इसलिए इसको भय का वातावरण ना बनाए। और जो जो सेनर जो लोग इसकी, जैसे मौलाना साहब कह रहे थे और तिरस्कार भर्त्सना भी कर रहे हैं कि ऐसे लोगों ने जो किया है, वैसे लोगों की बातों को भी हमें लोगों तक पहुंचाना होगा कि अभी हमें आपस में वैमनस्यता पैदा करने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो रास्ता निकालने का समय है, और जितना हो सके सब लोगों का माइंड करके सभी समाज के लोगों को इसका रास्ता निकालना है, क्योंकि ये रुकेगा कहां तक जाएगा,
कितने लोग इसके शिकार होंगे इस कोरोना वायरस के, ये कोई नहीं जानता है। इसके आगे भी दूरगामी परिणाम है, लेकिन आज के तारीख में हम सब लोगों को इसे लड़ना होगा, साथ मिलकर के ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा, उनसे अपील करना होगा और उनको भी कहना होगा कि आपके भी बाल बच्चों के लिए, आपके भी परिवार के लिए अच्छा है कि आपका भी ट्रीटमेंट हो जाए, पूरा समाज बचा रहे। ठीक, सौरभ दास हमसे ये सवाल करें, क्या करेंसी और सिक्कों को सैनिटाइज करने की जरूरत है? डॉक्टर यादव आप देंगे जवाब। सर सवाल दोबारा पूछिएगा मैडम। डॉक्टर यादव सवाल ये है कि करेंसी और साथ ही सिक्कों को सैनिटाइज करने की जरूरत है क्या? नहीं जी, बिल्कुल कोई एविडेंस नहीं है कि आपको करेंसी, सिक्के या फिर न्यूज़पेपर को सैनिटाइज करने की जरूरत है। लेकिन ये प्रिकॉशन जरूर रखिए कि जो आदत है, हम करेंसी गिनते हैं तो मुंह का थूक यूज करके करेंसी गिनते हैं, या करेंसी और सिक्कों को और पैकेट्स को हम हैंडल करने के बाद हाथ मुंह तक ले जाएं, वो शायद प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। और जब भी हम ये हैंडल करते हैं, हमें हाथ को साबुन से धो लेना चाहिए। जी, हमारे एक और दर्शक का सवाल है, साबुन से हाथ धोएं या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें? डॉक्टर मणि आप जवाब दें। सर देखिए, हैंड सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है हेल्थ केयर गिवर्स के लिए, और साबुन से क्लीन करना पर्याप्त है, क्योंकि जो अवेलेबल है उसका सही ढंग से इस्तेमाल करना है। अगर हमारे पास सोप अवेलेबल है तो सोप के साथ जैसे हम क्लीन करते हैं हाथ को, वो क्रियाएं वही हैं जो हम हैंड सैनिटाइजर से यूज करते हैं। तो थरो होनी चाहिए 20 सेकेंड ड्यूरेशन के लिए। हैंड सैनिटाइजर शुड बी सेव्ड, उसको स्पेयर करना चाहिए हेल्थ केयर गिवर्स के लिए, उनको उनके लिए बहुत ज़रूरी है वो, एट एवरी पॉइंट जब आप पेशेंट के केयर में कॉन्टैक्ट अनिवार्य है, तो उसके लिए हैंड सैनिटाइजर्स प्रथम है। पर साबुन जब पहले क्या करते हैं हम, डॉक्टर लोग जाते हैं पहले अपने साबुन से हाथ को अच्छी तरह से धो लेते हैं, उसके बाद थ्रू आउट द डे हम हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं। कई बार अगर सॉइल हो गया, हाथ वाथ सॉइल हो गया, तो पहले सोप यूज करते हैं, उसके बाद हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं। आप रहिए हमारे साथ, तो लगातार सवाल हम तक पहुंच रहे हैं। योगेश हमारे दर्शक, योगेश गोयल, वो ये कह रहे हैं कि जमात पर सरकार बैन लगाएगी। हमारे एक और दर्शक पूछ रहे हैं, अगर टिकटॉक पर ऐसे विवादित वीडियो हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसे वीडियो हैं, तो क्या उन्हें भारत में बैन नहीं कर देना चाहिए? लगातार सवाल पहुंच रहे हैं। #AskZee का आप इस्तेमाल कीजिए। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स और मेहमान बने हुए हैं। लौट रहे हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं न्यूज़। संकट काल में जनता का प्रश्न काल, हम लेंगे आपका हाल चाल, आप पूछें हमसे सवाल। लॉकडाउन के दौर में जवाब है तो जहान है। 21 दिनों तक रहना है स्ट्रेस फ्री, तो आस्क ज़ी, ज़ी न्यूज़ का
जन संवाद अभियान। तो जी न्यूज पर ये जन संवाद अभियान जिसमें आपके सवाल और हमारे एक्सपर्ट्स और मेहमान दे रहे हैं उन सवालों के जवाब। हमारे साथ बाल सिंह जी भी हैं, साइबर एक्सपर्ट भी हैं। बाल सिंह जी, एक सवाल जो बार बार आ रहा है, जो कि लगातार हमने इस पर डिस्कशन किया है हमारे पहले हाफ में भी, लोग ये कह रहे हैं कि अगर टिकटॉक पर ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्टेंट जा रहा है या किसी और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इस तरह के कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्टेंट के लिए किया जा रहा है जिसमें लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, तो क्या पहली बात उन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, और दूसरा मनोहर यादव जी कह रहे हैं बैन नहीं कर देना चाहिए? दो मुद्दे हैं। पहले तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वो टिकटॉक हो या फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर पीयर टू पीयर मैसेजिंग सर्विसेज हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो गैर कानूनी वीडियोज है, गैर दो समाज में हो, दो धर्म में हो, जो इनिमिटी फैलाने वाले वीडियोज हो, जो आईपीसी की धारा 153 हो या 295 हो के तहत में जो गुना होता है, ऐसा कोई भी वीडियो फैलाना गलत बात है। दूसरी चीज, जो भी ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से अपना वीडियो प्रसारित करते हैं, उनको मैं ये बताना देना चाहता हूँ और चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिन में 80 एफआईआर दाखिल हुए हैं, 10 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया है। टिकटॉक पे है वो या फेसबुक पे या ट्विटर पे, जो प्लेटफॉर्म के साथ में आप ये वीडियो शेयर करते हैं, हम लोग आपका ट्रैक करते हैं और अरेस्ट भी करते हैं। दूसरी चीज, ये जो प्लेटफॉर्म्स है जिनको हम इंटरमीडिएटरीज बोलते हैं, इनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आईटी एक्ट में कलम 79 में पहले उन्होंने उनको बोला गया है कि अगर उनको नोटिफाई नहीं किया जाता है तो उनकी लायबिलिटी नहीं है। अगर एक बार गवर्नमेंट या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनको नोटिफाई करती है तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोगों ने, मतलब महाराष्ट्र साइबर ने और पुलिस ने, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 793B की नोटिस दी है। ये नोटिस बोलती है कि आपको एक बार सूचना दी गई तो उसके बाद में ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे जितने भी वीडियो है, ऑडियोज है, पिक्चर्स है, उनको इन्होंने रिमूव कर दिया। बिल्कुल सही बात। और इस वक्त हम एक बड़ा स्टेटमेंट दिखा रहे हैं आपको कानून मंत्री का, वो साफ कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अगर अफवाह फैलाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया भी, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएं। जितेंद्र जी, सरकार की तरफ से चेतावनी आ गई है, एक्शन भी हमने देखा महाराष्ट्र में ही, आज हमने एक्शन भी देखा, इस तरह के जो वीडियोस, ये जो एक तरह का नेक्सस है, इस नेक्सस को कैसे तोड़ा जा सकता है?
नहीं देखिए, दो तरह के वीडियोस हैं, एक तो प्रोपोगंडा वीडियोस हैं जहां आप एक एक ब्रेन वॉश कर रहे हैं कम्युनिटी को कि मतलब नकाब ना पहने आप, उससे कोरोना नहीं, आपको जरूरत नहीं है, आप बस पांच टाइम नमाज अदा करें। मगर जो बड़ा एक षड्यंत्र है, जैसे जिस चैनल के ऊपर मरकज का जो यूट्यूब चैनल था उस पर 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर है, 10-10 लाख लोग उन वीडियोज को देखते थे, आपको जान के आश्चर्य होगा ये जो प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि उन्होंने ACP को चिट्ठी लिखी, SHO को बोला, बाद में SDM साहब से बात करी और वो लॉकडाउन के कारण वहां इकट्ठा थे। हमने 6-6 दिन पुराने वीडियोस ट्रेस कर रहे हैं जहां पे कह रहे हैं, जहां मजाक उड़ाया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, ये कहा जा रहा है कि आप गले मिलना ना छोड़ें, सरकार के एडवाइजरीज को आप छोड़ दें, डॉक्टर पे ज्यादा ध्यान ना दें, ये मस्जिद सबसे अच्छी जगह है, अगर हमें मरना है तो यहां मरे, इस तरह की भड़काऊ बातें वहां पे करी गई हैं। और परसों, मैं आपको 1 तारीख की बात कर रहा हूं, 1 अप्रैल को जब पूरा मरकज खाली करा दिया गया, 400 लोगों को टेस्ट किया गया है, कई टेस्ट में लोग वहां पे पॉजिटिव हुए हैं, उनसे रिलेटेड डेथ भी हुई है, तब एक वीडियो अपलोड किया जाता है और कहा जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में मरकज से रिलेटेड एक केस भी पॉजिटिव नहीं पाया गया है, मीडिया में दिखाई गई, आप किसी भी अफवाह पे विश्वास ना करें। वो मेन स्ट्रीम चैनल्स को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को फेक न्यूज बता रहे हैं और फिर अपने लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि एक भी केस पॉजिटिव नहीं पाया गया है। तो ये जो सोची समझा एक तरह से फेक न्यूज फैलाने का है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। दूसरा, पुलिस से ज्यादा समाज की जिम्मेदारी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हम खाली पुलिस को जिम्मेदार ठहरा दें और पुलिस खाली इन प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार ठहरा दें, इनको बैन कर दें, वो नहीं है। समाज के अंदर भी जो लोग ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं उसको टाइमली फ्लैग करके एक सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ करनी चाहिए। राजीव प्रताप रूडी जी, एक सवाल जो मुझे एक नहीं बल्कि बहुत सारे दर्शकों ने लिखा है, उन्होंने ये कहा है कि अगर हिंदुस्तान जमात की गलती की वजह से इस वक्त पिछड़ता दिखाई दे रहा है तो क्या जमात को बैन करने का वक्त नहीं आ गया? अगर संक्षेप में आप जवाब दे सके इस सवाल का। बहुत कठिन सवाल है और मैं समझता हूँ ये सवाल सरकार तक जरूर सरकार के, और अभी रास्ता निकालने का मुझे लगता है कि पहले तो उनको बैन करने से अभी उनकी जो स्प्रेड है वो रुकने वाला नहीं है। अच्छा, वो तो कल की कुछ दर्शन ये कह रहे हैं सरकार कार्रवाई तो करेगी, चलिए बैन नहीं। मैं आपको ये बता रही हूँ, लगातार यही सवाल हमें मिल रहा है बहुत सारे दर्शकों से। नीतिगत फैसला के बारे में टेलीविजन चैनल पर नहीं पूछना चाहिए, ये उचित नहीं है, क्योंकि नीतिगत मैं यहाँ बैठ के निर्णय निकालती से सरकार के व्यक्ति से पूछ सकते हैं। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार इस पूरी परिस्थिति से अवगत है, सरकार राज्य सरकारों को अवगत करा चुकी है, सरकारें अपने अपने स्तर से इनको एप्रीहेंड करना, इनको रोकना, इनको अस्पताल पहुंचाना, चाहे जितना भी अपमान हो रहा हो, सरकार और सरकार के सरकारी कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं। और जो मैसेजिंग है, मैसेजिंग जरूर बहुत खराब जा रहा है, इसलिए इनके जो नेतृत्व है उनसे अपील करना चाहिए कि वो बढ़ चढ़ करके आगे आए, अपने जमात के लोगों को कहे कि इस पर तुम्हारी भलाई है और वो पॉजिटिव न्यूज उन तक पहुंचाए। और फेक न्यूज के बारे में जो डिटेक्शन हुआ है उस पर तो सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन जो सही बातें उभर के आ रही है उस पर भी इनके लोगों को सबसे ज्यादा, हमारे कहने का प्रभाव नहीं होगा, आपके टेलीविजन इंटरव्यू का प्रभाव नहीं होगा, सबसे ज्यादा प्रभाव होगा इनके साथ जो ये 5,000-10,000 लोग जुड़े हैं, अगर उनके सेनर लीडरशिप अगर इस विषय को रखे तो उसका ज्यादा प्रभाव होगा और हमें उनसे संवाद करने का कोशिश करना चाहिए। ठीक, अंकित मदान है, वो कह रहे हैं कि अगर कोरोना का वैक्सीन नहीं है तो लोग ठीक कैसे हो रहे हैं? डॉक्टर यादव, अगर आप संक्षेप में जवाब दे पाए इस सवाल का। देखिए, जब कभी कोई वायरस या कोई भी इन्फेक्शन होता है तो शरीर अपने आप एक इम्यून मैकेनिज्म से एंटीबॉडी बनाता है उस कीटाणु के अगेंस्ट, तो वो कीटाणु के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है वो वैक्सीन का काम करती है, वो उससे इन्फेक्शन से फाइट करती है। तो काफी लोग जो ठीक हो रहे हैं वो अपने इम्यून रिस्पॉन्स से ठीक हो रहे हैं, और इसीलिए जो लोगों का इम्यून रिस्पॉन्स कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो बुजुर्ग हैं, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, कैंसर के मरीज हैं, या कुछ ऐसी दवाइयां खा रहे हैं जिससे इम्यूनिटी सप्रेस की जा रही है, उन्हीं लोगों में ये सीरियस बीमारी बना रहा है और ये वेंटिलेटर की जरूरत, ICU की जरूरत उन्हीं लोगों में पड़ती है। ठीक ठीक, एक हमारे दर्शक हैं आदित्य नारायण पांडे, वो कह रहे हैं जमातियों की लापरवाही के कारण जो हिंदुस्तान की हालत हुई है उससे हिंदुस्तान कितना पीछे चला गया है आर्थिक दृष्टिकोण से और सामाजिक तौर पर कितना नुकसान हुआ है। विजय सरदाना जी, और साथ ही एक जनधन खाते से जुड़ा भी सवाल है, वो कह रहे हैं जनधन खाता नहीं है तो राहत कैसे मिलेगी। धर्मेंद्र का सवाल है, संक्षेप में अगर जल्दी जल्दी आप दोनों सवालों के जवाब दे दें। देखिए, निश्चित रूप से आर्थिक संकट है, इसीलिए इस समय कंजर्वेशन की जरूरत है, इधर उधर परेशान ना हो, सरकार को रिकवरी में हेल्प करें और जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे, मैं आपको इस बात का भरोसा देता हूं, इस देश की आबादी 135 करोड़ से ज्यादा है, इकोनॉमी बहुत तेजी से बाउंस करेगी,
क्योंकि सारी पाइपलाइनें खाली हैं, सारी फैक्ट्रियां काम पे आएंगी, लोग काम के लिए दौड़ेंगे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव होगी, लेकिन डिसिप्लिन वे में, जैसा जैसा सरकार का इंस्ट्रक्शन आए उसको फॉलो करें, केओस ना करें, नहीं तो एक और समस्या खड़ी हो जाएगी। हमें सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए। दूसरा सवाल आपका है कि ये जो जनधन अकाउंट नहीं है, देखिए सरकार ने हमेशा कहा जनधन अकाउंट के लिए अगर आपके पास नहीं है, अब उसका कैसे हो सकता है, बैंक में बात करिए। दूसरा, जो आपके पास अगर राशन कार्ड है या बाकी सुविधाएं हैं, जो इतनी सारी स्कीमें सरकार ने दी हैं, किसी ना किसी का फायदा आप तक पहुंचेगा। और अगर आप बहुत ही कष्ट में हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हैं, तो बहुत सारे फूड कैंप चल रहे हैं, आप कम से कम अपने खाना वहां जाके भी खा सकते हैं। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी कोई सरकार कोई स्कीम या पॉलिसी लॉन्च करती है और आपको कहा जाता है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं, तो उस समय सरकार की बातों को इग्नोर नहीं किया कीजिए, क्योंकि आज आपको पता है कि उसको इग्नोर आपने किया तो आज आपका नुकसान हो रहा है। ठीक, हमारे एक दर्शक है एबी पॉल, मौलाना आपके लिए सवाल है, वो कह रहे हैं कि आप और आप जैसे दूसरे धर्मगुरु अपनी मस्जिदों से ये ऐलान नहीं कर सकते कि प्रशासन और डॉक्टर्स के साथ में सहयोग किया जाए, उनकी बात सुनी जाए, क्योंकि जो लोग अभी गवर्नमेंट की बात नहीं सुन रहे शायद आपकी बात सुन लें और इस सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल किया जा सकता है, ये एबी पॉल कह रहे हैं। मैं जी न्यूज के जरिए से मैं तमाम नाजरीन जो कोई देख रहे हैं आपका प्रोग्राम, उन तमाम को और मेरे हमारे अपने सोशल मीडिया पे या आपके चैनल के जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है इसको हमारे चैनल्स के जरिए भी हम इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे, मैं तमाम से अपील करता हूं। और हमने अपील न सिर्फ किया है बल्कि हैदराबाद में हमने उलमाए किराम और मुफ्तियां का एक फतवा जारी किया, यूनाइटेड फतवा जारी किया कि घरों में नमाज पढ़े, मस्जिद को ना आए, हत्ता के जुमे की नमाज भी हैदराबाद में मक्का मस्जिद में नहीं हुई, सिर्फ चंद लोग मौजन और इमाम और चंद लोगों ने पढ़ी है। और इन सब से हटके, हैदराबाद से हटके, मक्के मुकर्रमा में सऊदी अरब में नमाज के लिए रोक दिया गया है, मदीने मुनव्वरा में जहां पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग्रेव है, जहां पर मजार मुबारक है, वहां पर भी नमाज को रोक दिया गया। तो मैं तमाम अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से ये गुजारिश करता हूं कि जब मक्के मदीने में और हैदराबाद और दीगर तमाम जगहों पर नमाजों के लिए मुफ्तियों ने आने से आपको रोक दिया है, तो आप न सिर्फ नमाज के लिए रोक दिया है, तो आप सोशल गैदरिंग में या इज्तिमा में या जलसे में आप कैसे जा सकते हैं। ठीक ठीक, सोशल मीडिया पर थोड़ी देर पहले हमने आपको ये बड़ी खबर दी, कानून मंत्री कह रहे हैं जो सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं सरकार उन पर कड़ा एक्शन लेगी, सरकार की ये कड़ी चेतावनी, और साथ ही सोशल मीडिया कंपनियां भी भड़काऊ वीडियोस पर रोक लगाए, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं, सुनिए जरा। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी से। सर, सोशल मीडिया को लेकर जिस तरह से बातें हो रही है कोरोना को लेकर, उस पर मंत्रालय और आप कहते हैं? मुझे एक ही बात कहनी है, नरेंद्र मोदी की सरकार सोशल मीडिया का सम्मान करती है, लेकिन अभी का समय चुनौती भरा है, देश एक स्वर से कोरोना के अभिशाप के खिलाफ लड़ाई चल रहा है, लड़ रहा है। मैं अपेक्षा करूंगा सारी सोशल मीडिया कंपनी आज के समय जिम्मेवारी संवेदनशीलता का परिचय देंगे, और उनके प्लेटफॉर्म पर ऐसा कोई वीडियो नहीं चलना चाहिए जिससे देश की इस लड़ाई को कमजोर किया जाए। मेरी अपेक्षा होगी कि इसको वो सोचेंगे समझेंगे, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। सर, ये बार बार सोशल जब भी इस तरह की कुछ बड़ी घटना होती है या बड़ा इवेंट होता है या बड़ी इस तरह की आपदा आती है तो सोशल मीडिया पर एकाएक बाढ़ आ जाता है फर्जी चीजें फेक चीजों की, उससे माहौल खराब होता है, आप कुछ किस तरह कार्रवाई की बात कर रहे हैं? अब हमारे पदाधिकारी उनसे टच में हैं, उनको बताया गया है, मैं आपके माध्यम से भी अपील कर रहा हूं, समझते हैं, जिम्मेवारी का परिचय दें, संवेदनशीलता का परिचय दें, इस लड़ाई को कमजोर नहीं करें, वरना सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, प्रधानमंत्री की एक भावुक अपील भी है पूरे देश के लिए, एक जागृत करने वाला भी है, 9:09 दिया किस रूप में देंगे? अटल जी की कविता है, आओ फिर दिया जलाएं, कोरोना के खिलाफ संघर्ष को मजबूत करें, इस अंधकार में प्रकाश जलाएं और देश के संकल्प को और मजबूत करें, यही मोदी जी का आग्रह है। देश का एक नया संकल्प जो पूरे देश ने दिखाया है इन दिनों में,
उसे हम दोबारा दोहराएं, यही उस दीपक का सम्मान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो कड़े एक्शन की बात यहाँ पर सरकार कर रही है, कानून मंत्री को आपने कहते हुए सुना, और बड़े एक्शन की बात, जी हाँ, अफवाह फैलाने वाला जो गैंग है उसके खिलाफ बड़े एक्शन की बात सरकार यहाँ पर कर रही है। हमारे एक और दर्शक है रोहित साफी, उनका सवाल ये, क्या नासा और इसरो वैक्सीन की खोज कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस पर जीत दर्ज की जा सके, इसके मरीजों का इलाज हो सके? डॉक्टर मणि, आप देना चाहेंगे सवाल का जवाब? सर, हाँ, मैं समझा नहीं क्या है प्रश्न। वो कह रहे हैं कि नासा और इसरो वैक्सीन पर काम कर रहा है, क्या ये सच है? स्पेस एजेंसीज, आवाज कट रहा है सर। सवाल ये है, क्या नासा और इसरो भी कोरोना वायरस को ठीक करने वाली दवाई पर काम कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, देखिए, कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट पे हर वक्त रिसर्च चल रहा है, पर कोई ऐसी दवाई नहीं उभर के आई है जो कंफर्म्ड तरीके से उपचार कंप्लीट करेगा। कुछ हद तक रोकथाम होता है इन दवाइयों से, पर बेसिकली सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। इसका मतलब यह है कि जब सीरियस हालत होता है तो इंटेंसिव केयर उपचार देना है जब तक ये वायरस शरीर से हट नहीं जाता। दूसरी बात ऐसा है, कुछ दवाइयों का रिसर्च चल रहा है, ट्रायल्स चल रहे हैं, वो शायद रिजल्ट्स आ जाएंगे शीघ्र ही, और फिर अगर ये फायदेमंद हो तो ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल हम और विश्वसनीय तरीके से कर पाएंगे। ठीक सर, हमारे साथ संकल्प शर्मा है, डीसीपी नोएडा है। संकल्प जी, हम लगातार ये खबर दिखा रहे हैं कि कैसे सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है, लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है, लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा है। साफ साफ कहा जा रहा है कि आप जो सरकार के दिशा निर्देश हैं आप उनका पालन ना करें। नोएडा में किस तरह का एक्शन, किस तरह के वीडियोस आपने देखे? देखिए, हम लोग 100% लॉकडाउन का इन्फोर्समेंट हम लोग करा रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर भी हम लोगों की जो रिलीजियस लीडर्स हैं और जो सिविल सोसाइटी के प्रोमिनेंट लोग हैं उन सबसे हम लोगों की बात हुई है, और सब लोग अपने लेवल पे सभी को समझा रहे हैं कि कैसे गवर्नमेंट ऑर्डर्स को फॉलो करना है और फिर इस लॉकडाउन को 100% इन्फोर्स कराना है। इसके बाद भी अगर कोई चीजें इस तरह की हम लोगों के पास आती हैं जिसमें इस तरह के वीडियो वायरल कोई अगर करता है या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम करता है, तो उसके अगेंस्ट जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं हमारी IPC की और डिजास्टर एक्ट की, उसमें हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं और स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन हम लोग लेंगे ऐसे लोगों के लिए जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या ऐसे वीडियोस आपके नोटिस में आए हैं? क्या ऐसे वीडियोस की संख्या ज्यादा है? क्योंकि बीते 5 दिनों में अगर बात करें, सिर्फ 5 दिनों की, तो ऐसे 30,000 वीडियोस सामने आने की बात कही जा रही है। क्या आपके नोटिस में भी आपने ऐसे वीडियोस देखे? लगातार सोशल मीडिया को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। नोएडा में अभी तक इस तरह का कोई वीडियो वायरल होने वाला पर्टिकुलरली रिलेटेड टू नोएडा ऐसा इस तरह का इंसिडेंस नहीं आया है, मगर हमारी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सोशल मीडिया पर भी चल रही है, और जैसे ही कोई व्यक्ति अगर इस तरह का टेस्ट होता है जो नोएडा से रिलेटेड है और इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, तो स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल सेक्शंस में हम लोग एक्शन लेंगे। शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए। तो हम जी न्यूज के माध्यम से आप तक कोरोना वायरस से लड़ाई, जो इस समय हिंदुस्तान लड़ रहा है महायुद्ध, उससे जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बता रहे हैं कैसे लॉकडाउन में जहां आप अपने घर में बैठकर राष्ट्रीय धर्म का पालन कर रहे हैं, कुछ लोग हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश गढ़ रहे हैं, लोगों को बरगलाने उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे इस मैसेज को अच्छी तरह समझ रहे हैं, वो क्या समझाने की कोशिश करें जरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोरोना वायरस से बचने के लिए 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, हम अब क्राउडेड प्लेस में ना जाएं। स्टेप नंबर 2, हम साबुन से अपने हाथ धोएं, वो भी 20 सेकंड के लिए। स्टेप नंबर 3, हम अपने गंदे हाथ मुंह पे ना छुएं। आप इन चीज़ों का सामना करिए, डरिए नहीं, लड़िए। जय हिंद। तो ये रुद्राक्ष हैं मैसेज देते हुए, साफ कहते हुए कि प्लीज आप जो रूल बुक है, जो नियम कायदे हैं, आप उनका पालन कीजिए। तो देशभर में कोरोना वायरस से बचने, सतर्क रहने के लिए पुलिस और प्रशासन आम लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं, लोगों को हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने, सभी अपील की जा रही हैं। और राजनांदगांव की बात करें, पुलिस वहां पर अपने तरीके से लॉकडाउन में क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। कोरोना कॉस्ट्यूम में सड़क पर यह व्यक्ति डरावनी आवाज निकाल रहा है, जो सतर्क रहने और बचकर रहने के लिए आगाह कर रहा है। ये भी बताता है कि पुलिस सिर्फ
डंडों का इस्तेमाल नहीं कर रही है लोगों को घर में रोकने के लिए। दरअसल इस तरह के नुक्कड़ नाटक से भी लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। तो चलिए, ये तो हम आपको लगातार वो पहल बता रहे हैं जो लगातार की भी जा रही हैं और हमारे दर्शक हमें सवाल लगातार भेज रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी जी, हमारे एक दर्शक है विपुल शर्मा, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से जमात की वजह से ये कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, क्या उम्मीद की जा सकती है कि 15 तारीख के बाद ये लॉकडाउन खुल जाएगा? देखिए, इस पर कोई उत्तर देना संभव नहीं है और बीच में तो हम लोगों ने देखा था कि कोरोना वायरस का स्प्रेड भारत में बहुत नियंत्रित था, फिर छोटा सा एक स्केल आया है। ये सरकार जब तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाती है, और मुझे लगता है कि ऊपर के स्तर पर पूरे भारत में प्रदेश के प्रधानमंत्री इसकी पूरी तरह से निगरानी कर रहे हैं, इसे देख रहे हैं, ये निर्णय उनका ही होगा और ये कब समाप्त होगा हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अगर हम सब लोग अच्छा व्यवहार करें और जो निर्देश है उसका अनुपालन करें तो ये समय अवधि निश्चित रूप से कम हो जाएगा और भारत सुरक्षित होगा, क्योंकि दुनिया की तुलना में भारत अभी भी टचवुड जिसे हम कहते हैं नजर न लग जाए, हम बाकियों से बेहतर कर रहे हैं, लेकिन और बेहतर करने की गुंजाइश है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होगा, देश के प्रधानमंत्री की उस अपील को बार बार दोहराना होगा, याद रखना होगा, शायद कामयाबी का रास्ता उन्होंने हमें दिया है, हम कामयाब होंगे। ठीक, हमारे दर्शक है कुंदन, वो कह रहे हैं लॉकडाउन में जो लोग जरूरी काम करने के लिए जा रहे हैं क्या वो सुरक्षित है? डॉक्टर यादव, आपसे मेरा सवाल है और एक और सवाल है कि घर को सैनिटाइज कैसे किया जा सकता है? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो लोग काम पे जा रहे हैं वो सुरक्षित हैं, बिल्कुल नहीं। उनको अगर किसी वजह से एसेंशियल काम है, वो हेल्थ वर्कर हैं या कोई ऐसे ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, पुलिस कर्मी हैं, आप जैसे मीडिया कर्मी हैं जिनको एसेंशियल सर्विसेज में हम काउंट करते हैं, अगर उनको जाना पड़ता है तो उनको मास्क यूज करना चाहिए। ये गाइडलाइंस अब बदल गई हैं, पहले हम कह रहे थे कि मास्क की जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल ये बोला जा रहा है कि मास्क बहुत जरूरी है क्योंकि आपको संक्रमण हो सकता है और आपको सिम्टम ना हो और आप थूक के जरिए या सांस के जरिए ये कीटाणु फैला सकते हैं, तो वो मास्क पहने, दूरी बनाए रखें और जब भी वो काम पे जाते हैं फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें और ये जो बेसिक प्रिकॉशंस बताई गई थी उनको करते रहें। दूसरा सवाल आपने पूछा कि घर को सैनिटाइज कैसे करें, इसमें सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि घर को खिड़कियों को खुली रखें, वेल वेंटिलेटेड रखें, एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल ना करें, जो हवा अंदर सर्कुलेट करती रहती है या रीसर्कुलेट करती रहती है वो ज़्यादा डैमेज करती है। अपना घरों में भी सोशल क्वारंटीन या डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, हाथ फ्रीक्वेंटली वॉश कीजिए और जितना हो सके अपने आप को बिजी रखिए मेंटली, ताकि आप इस सदमे को या इस बोर्डम को दूर कर सके। ठीक डॉक्टर मणि, जाते जाते हमारे एक दर्शक है प्रदीप सिंह, वो कह रहे हैं हेल्थ स्टाफ कितना सेफ है इस वक्त? हेल्थ स्टाफ की सेफ्टी प्रायोरिटी है क्योंकि वो सबसे अधिक रिस्क में है। तो हेल्थ स्टाफ की सेफ्टी दो चीजों में है, एक तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और दूसरे उनकी ट्रेनिंग सेल्फ केयर में और इन्फेक्शन कंट्रोल में, क्योंकि पीपीई के अलावा और जिस हिसाब से हैंड हाइजीन करते हैं, जिस हिसाब से प्रोसीजर्स के एसओपीज फॉलो करते हैं और जिस हिसाब से जो जोन्स जो हैं इन्फेक्टेड एंड नॉन इन्फेक्टेड जोन्स को सेपरेट रखें, ये हमारे लिए चुनौती है और हेल्थ केयर वर्कर्स और हॉस्पिटल्स इस पे गौर कर रही हैं, एसओपीज को स्टडी कर रही हैं और कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग ले रहे हैं। शुक्रिया आप सभी का। अभी इतने ही सवाल हम ले पाए हमारे इस ब्रॉडकास्ट में, लेकिन आगे भी हमारी ये कोशिश, रोज 1 बजे हम इसी तरह आपके सवाल लेकर आते हैं, शाम 6 बजे भी आपके सवालों को उठाने की कोशिश करते हैं। आप अपने सवाल लगातार भेजते रहिए #AskZee के साथ। सभी मेहमान जो हमारे साथ जुड़े उनका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ पर आपको बता देते हैं पुलिस अपने लेवल पर हर संभव कोशिश कर रही है कि जागरूकता फैला सके। राजनांदगांव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो थोड़ी देर पहले, जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र भी किया था, क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह से कोशिश की जा रही है आपके स्क्रीन पर। ये देखिए कोरोना कॉस्ट्यूम में ये व्यक्ति जो आपके स्क्रीन पर डरावनी आवाज निकाल रहा है, सतर्क रहने और बचकर रहने के लिए आगाह भी कर रहा है। आप सभी से अनुरोध, जब आप
प्रायोजक अंबा शक्ति SDTMT 500 मोर एलोंगेशन सुपर डक्टिलिटी स्टील्स सिग्नेचर ग्लोबल क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है स्टे होम स्टे सेफ और स्वीटी सुपारी मस्ती भरा एहसास अपने टीचर पे क्रश